क्या नाम हुआ सर आपका? केदार प्रसाद गुप्ता। ये दुकान आपकी है? जी सर। ये दीपावली के अवसर पर ये कॉपी सब जो बिक रही है, इसकी स्थिति बताइए, क्या स्थिति है? बहुत स्थिति खराब है, बिल्कुल नहीं व्यापार है इस बार। GST के कारण लोग परेशान है। नेपाल के लोग भी आ रहे हैं, वो भी कहते हैं कि इंडिया में महंगा हो गया है GST के कारण, सामान इसलिए नहीं खरीद रहा है। सब मंदा चल रहा है व्यापार, भयंकर मंदा है व्यापार। पिछले साल से ज़्यादा मंदा है? हाँ, पिछले साल से बहुत मंदा है। बताइए, आप नाम बताइए। अजीत कुमार जी। अजीत कुमार, ये दुकान आपकी है? जी। इसका रेट बताइए, फल का रेट, सेब का रेट बताइए। 80 रुपये। और ये? 100 रुपये। अभी जो पर्व है, दीपावली वगैरह का समय है, इसके मौके पर ये फल का रेट बढ़ा है कि घटा है? वही रेट है। ग्राहक बढ़ा है कि? ग्राहक बहुत कम हो गया पहले से कम। सामान वामान कुछ लेने के लिए जा रहे हैं, मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं। मार्केट में सामान सस्ता बुझा रहा है कि महंगा बुझा रहा है? अभी थोड़ा हल्का पर्व के लेके थोड़ा महंगा है सामान। ऑटोमेटिक बात है, जब आपने खरीदारी कर ली है? जिस तरह आधा हो गया, आधा बाकी। पॉकेट पर बोझ पड़ा है पहले से ज्यादा? थोड़ा सा पड़ गया। नाम बताइए तो। गुड्डू साहब। ये दुकान आपकी है? हाँ। ये कैसे बेचते हैं मूर्ति से? 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया का। ये कोई ग्राहक नहीं देख रहे हैं आपकी दुकान पर? कैसा है बाजार का, क्या स्थिति? बाजार बहुत मंदा चल रहा है। बहुत काफी मंदा है। GST लागू होने से बाजार बहुत मंदा हो, मतलब GST से ये भी सभी प्रभावित हुआ है। आप नाम बताइए। ये दुकान आपकी है मिठाई की? हाँ। क्या स्थिति है अभी तो दिवाली के अवसर पर मिठाई के बाजार का, क्या स्थिति है बताइए? मंदा है। मंदा चल रहा है? रेट वगैरह बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, कैसा है? मैं वही पुराना रेट है। कैसे बेचते हैं ये मिठाई सब, कैसे किलो बेचते हैं? 180 रुपये। आप बताइए, नाम बताइए। आदित्य कुमार। ये दुकान आपकी है? क्या स्थिति है मार्केट की? मार्केट अभी चल रहा है मिला जुला के, ठीक ही चल रहा है। मंदा चल रहा है कि तेज? मंदा ही चल रहा है। मंदा चल रहा है। कैसे बेचते हैं मिठाई सब? किलो मतलब 180 रुपये पीस में, सबका अलग अलग रेट है। 15 रुपये पीस है, 20 रुपये, 8 रुपये किलो, 180 का। मंदा है, बहुत मंदा। अभी जिस तरह से पर्व को लेकर है, धीरे धीरे मार्केट का रौनक बढ़ेगी। दिवाली में तो अभी 2-3 दिन बाकी है, बढ़ने की उम्मीद है। हाँ, बढ़ने की उम्मीद है। क्या नाम बताए? मेरा नाम नीतीश प्रधान उर्फ युवराज है। ये आपकी दुकान है? जी, ये 70 साल से मेरे पूर्वजों दादा के समय का ये दुकान है। ओ, पुरानी दुकान। ये श्री राम अवतार प्रधान। ये दुकान आपकी है? क्या नाम हुआ आपका? देव नारायण यादव। देव नारायण यादव, क्या सब बेचते हैं आप? मोमबत्ती, अगरबत्ती। ये जो आप दुकान लगाए हैं, ये पूजा में ही लगाए हैं कि बराबर लगाते हैं? पूजा में लगाते। पूजा में लगाए तो पूजा को लेकर के बिक्री बढ़ा है? थोड़ा बढ़ा है। अभी तो बाकी भी है दिवाली का। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि ग्राहक बढ़ेंगे। बढ़ेगा। कैसे बेचते हैं ये मोमबत्ती सर? ये 10 रुपये का है, 15 का है, और ये सर 25 का है, 35 का है, 45 का है। एक 100 रुपये में 1.25 किलो। ये अनार 100 में 1.5 किलो। 100 में 1.5 किलो। कैसे बेचते हैं भाई ये नारियल, कैसे बेचते हैं आपसे बताइए? 25 रुपया और 30 रुपया है। वो मेला को लेकर के बिक्री बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अभी नहीं बढ़ा है। ये दुकान आपकी है? जी हाँ। ये क्या हालचाल है, ये बिक्री का क्या हालचाल है, मार्केट कैसा है? ठीक है, बिक्री मतलब सही है, दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। बराबर ये करते हैं दुकान की, मेले में किए इस बार? मेले में किए। हाँ। मेला को लेकर बिक्री बढ़ा है? हाँ। कैसे बेचते हैं ये फोटो सब? 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये बेचते हैं। कैसे बेचती है ये दिया? कौन दिया? ये दिया? तो दिया 4 रुपये। 4 रुपये पीस। हाँ। और ये सब? 10 रुपये। ये हाथी? हाथी 15 रुपये। कहाँ से आई है बेचने के लिए? गोबड़ाई से। क्या नाम है? कैसे है मखाना?
कैसे किलो किलो बोलिए ना, कैसे कैसे किलो बेचते थे बताइए ना। नहीं पकड़ चार सौ रुपए किलो कत से लिए बेचे के लिए आप लोग ग्राहक हैं? आप लोग ग्राहक के खरीदती हैं? आप खरीदने के लिए आई हैं? कैसे बेचती है मखाना कैसे? चार सौ रुपए किलो। कहाँ से आई है आप बेचने के लिए? कहाँ घर है? कोरहिया से आई। आप बताइए कैसे बेचती है ये मखान? 300 रुपए किलो। 300 रुपए क्या बोले? अरे इधर तक के बात कीजिए ना। 300 रुपए क्या? नाम बताइए आप। शंभू महतो जस्टो। ये दुकान आपकी है? हाँ हाँ। ये मूर्ति सब का क्या रेट है सब बताइए तो, ये सब कैसे बेचते हैं? ये 35 रुपया का है जी। ये 60 रुपया का। ये कलकत्ता वाला है वो जी। कलकत्ता वाला डिजाइन सब है। ये बताइए आप कि बिक्री कैसा है अभी मार्केट का? अभी मार्केट आज सोमवार के लेकर ढीला है, लेकिन कल से रहेगा, कल परसों रहेगा, दो दिन। दिवाली नजदीक आ गया है इसलिए ग्राहक की बढ़ने की उम्मीद है। कल से, कल परसों से रहेगा, दो दिन। आप बताइए तो, नाम बताइए तो। कमलपुर में आपकी ये दुकान है? हाँ। आप कैसे बेचते हैं ये सब बताइए, ये सब कैसे बेचते हैं आप? ये 200 रुपए का है, 250 रुपए का है। आपके यहाँ बिक्री कैसा है? ठीक है, आम फल के अपेक्षा मिला जुला के ठीक। बस पिछले साल से कमजोर है कि बढ़ा हुआ है? अभी तक कुछ है ही नहीं, अभी मार्केट का कोनो साल के अपेक्षा नहीं है, नहीं के बराबर है। वो कम है? बहुत कम है। बहुत कम का मतलब मुझे कि 25% भी नहीं। अच्छा, ये पिछले साल से सस्ता है कि महंगा है? 10% थोड़ा सा महंगा है, 10% थोड़ा सा रेट बढ़ा हुआ है जी। अच्छा, GST का भी असर पड़ा है इस पर? हाँ, हम लोग में इस मूर्ति में GST का असर पड़ा है, लेकिन हम लोग थोड़ा मोरा GST कटा के लाए हैं। आप बताइए, नाम बताइए। संजीत कुमार पद्दार। ये सब कैसे बेचते हैं ये सर? ये सब 200 रुपया का है, 150 रुपया का सर। किस तरह का बिक्री चल रहा है अभी मार्केट में? मार्केट में इस तरह पूछिए जो पर साल की तरह कमी चल रहा है, कमजोर चल रहा है। ये दुकान तुम्हारी है बाबू? कैसे बेचते हो ये? 5 रुपए, 10 रुपए, 10। क्या नाम हुआ तुम्हारा? कैसे बेचती है ये दियोरी? 20 रुपए का, 25 का, 80 रुपए, 6 का। और ये हाथी? आप बताइए, आप बताइए, सुनिए, हाथी कैसे बेचती है बोलिए ना। नाम बताइए आप, नाम बताइए। कहाँ से आई है आपका नाम क्या हुआ? आपका ही सामान सब है? कैसे बेचती है ये घैला? 50 रुपए। और ये दियोरी? क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? गंगा कुमार। गंगा कहाँ से आई है? गोबराई। तुम भी गोबराई से आई है? केना बेचे छे ये सूपा? नहीं नहीं, बात करू ना, कत भाई के लिए